आई एम मीनाक्षी, वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सर्कुलर घाघरा सिखा रही हूँ, तो आइए देखते हैं सर्कुलर घाघरा का कटिंग एंड स्टिचिंग। सर्कुलर घाघरा के लिए सबसे पहले हम लोग इनर लाइनिंग कटिंग करेंगे। ये सैटिन सिल्क है 2 मीटर, तो इसमें हम लोग डबल फोल्ड करेंगे। ये 2 लेयर है, इसका ट्रायंगल करके लेना है। इनर लाइनिंग जो है उसका लेंथ हम लोग 36 इंच लेंगे और वेस्ट राउंड जो है वो 34 इंच लेंगे। तो वेस्ट राउंड 34 है, तो उसका हम लोग 4th पार्ट प्लस 1 इंच करेंगे। बॉडी मेजरमेंट जो है वो 32 इंच है, हम लोग 2 इंच लूजिंग रख रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग नाड़ी बांधने वाले हैं। अगर आपको हुक लगाना है तो आप जितना बॉडी में मेजरमेंट है उतना ले लो। तो ये 32 प्लस 2 इंच करेंगे तो 34, उसका 4th पार्ट 8.5 प्लस 1 इंच मार्जिन। जब भी आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे वेस्ट राउंड का मेजरमेंट, तो ये सेंटर से यहाँ और ये सेंटर से सेम मेजरमेंट चाहिए। जैसे ये 14 इंच है तो ये भी यहाँ से 14 इंच, तभी ये बराबर आपका ये जो लाइन है वो बराबर आएगा। ये हम लोग हाफ अम्ब्रेला का कटिंग कर रहे हैं जो इनर लाइनिंग है। अभी लेंथ हमारी है 36 इंच, तो 1 इंच माइनस करेंगे और प्लस 1 इंच करेंगे। 36 प्लस 1 इंच 37। 1 इंच माइनस करने के बाद फुल लेंथ प्लस 1 इंच, तो यही मेजरमेंट आपको हर जगह डालना है। ये मैंने अनइवन है इसके लिए ये मार्किंग किया है, कपड़ा जहाँ से एक जैसा है वो। तो ये हमारा हो गया हाफ अम्ब्रेला का कटिंग। सबसे पहले हमने लेंथ माइनस 1 इंच किया, प्लस नीचे 1 इंच मार्जिन, 1 इंच जो है वो बेल्ट के लिए, और उसके बाद सब जगह से जितना लेंथ है वो सब जगह से ड्रॉ करके ये यहाँ का नीचे का जो राउंड है वो जोड़ के लिया है। अभी कटिंग करेंगे। ये हमारा इनर लाइनिंग हो गया। अभी यहाँ जो जोड़ लगेगा, 2 लेयर तो हमारे पास है, अभी ये 2 जो लेयर है ऊपर के वहाँ जोड़ लगाना है। यहाँ 2 लेयर में हमें जोड़ लगाना है, तो ये ऐसे रख के यहाँ जोड़ लगा के ऐसे कटिंग करना है। यहाँ जो फोल्ड है वो भी कट करके लेना है। ये ऐसे जोड़ के 2 लेयर को जोड़ देना है। सिर्फ आपको ये जो हिस्सा है वो आपका लेंथवाइज रहता है तो लेंथवाइज लेना चाहिए, ताकि ये कपड़ा क्रॉस ना हो, क्योंकि ये कपड़ा भी वैसे ही रहता है। बस इतना ही ध्यान देना पड़ता है जोड़ लगाते वक्त। इस तरह से सिल के ये पूरा इनर लाइनिंग तैयार करके लेते हैं। ये मेन हम लोग ऊपर का जो स्कर्ट है वो फैब्रिक कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 4 चौकोन लिए हैं, जो भी आपका कपड़ा वेट वाइज रहेगा उसी मेजरमेंट के 4 चौकोन ले लीजिए। ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 लेयर मैंने लिया है। तो ये चौकोन आपको सबसे पहले एक जैसा करके लेना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसके लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा एक साइड रखा है। ये 5-5.5 मीटर का टुकड़ा था। अभी ये कॉर्नर फोल्ड वाला या वो दूसरी साइड का वो फोल्ड वाला कॉर्नर, इसी में हमें वेस्ट राउंड का मेजरमेंट डालना है।
वेस्ट राउंड हमने लिया है 34 इंचेस, उसका चौथा हिस्सा 8.5 प्लस 1 इंच मार्जिन। जैसे हमने इनर लाइनिंग में लिया वही मेजरमेंट हम लोग इधर लगाए। ये हमारा वेस्ट राउंड का मेजरमेंट है। यहाँ से हम लोग लेंथ डालेंगे। अभी ये लेंथ हमारा, ये कपड़ा यहाँ तक है तो ये लेंथ यहाँ हमारा 37 इंच है, तो 37 इंच यहाँ मार्किंग आएगा। तो ये इतना कपड़ा जो है ये जोड़ देना पड़ेगा दो लेयर को, क्योंकि ये 44 विड्थ वाला कपड़ा है। यहाँ हम लोग जोड़ दे रहे हैं। अगर आपको जोड़ नहीं चाहिए तो आप बड़े पन्ने वाला कपड़ा ले सकते हैं। अभी यहाँ से सब जगह आपको जितना लेंथ है वो मार्किंग करके लेना है। 37 इंच फुल लेंथ है। इसमें हमने 1 इंच माइनस करना है बेल्ट के लिए, तो नीचे का फोल्ड 1 इंच, इसके लिए मैंने वो 37 इंच ही लिया है। ये मैंने हर जगह 37 इंच का ड्राइंग किया है और ये राउंड शेप दिया है, और यहाँ मैंने वेस्ट राउंड का मेजरमेंट दे दिया है। अभी ये कटिंग करना है जैसे ड्रॉ किया है वैसे। अभी यहाँ जोड़ इतना है आएगा ऐसे, सिलाई मार्जिन के लिए 12 इंच, और ये कटिंग करना है। ये जैसे लाइनिंग में हमने बोला था वैसे ही ये जोड़ के लेना है। ये हमारा हो गया सर्कुलर घाघरे का कटिंग। इसी को सर्कुलर आप स्कर्ट भी बना सकते हो, लॉन्ग स्कर्ट या शॉर्ट स्कर्ट सर्कुलर बनाना है तो भी इसी प्रोसीजर से कटिंग हो जाएगा। अभी हम लोग लाइनिंग का जो जोड़ है और मेन फैब्रिक का जो जोड़ है वो करके लेंगे। ये लाइनिंग का जोड़ दिया है, ये सीधे साइड से इस तरह दिखेगा, और ये जो है मेन फैब्रिक, ये मेन फैब्रिक का जोड़ यहाँ से ऐसे देके उसमें टॉप सिलाई भी डाली है। उसके बाद ये जो इनर लाइनिंग है और मेन फैब्रिक मैंने ये हाथ से कच्चा करके लिया है ताकि ये हिले नहीं, तो ऐसे मैंने जोड़ के लिया है दोनों फैब्रिक। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी तैयार करके लिया है। ये बैक फ्रंट मैंने तैयार करके लिया है, हाथ से कच्चा करके लिया है। अभी इसमें बेल्ट निकाल दो। ये हम लोग बेल्ट निकाल रहे हैं आगे पीछे के लिए, दो लेयर मैंने लिया है, तो हम लोग 3 इंच का बेल्ट निकालेंगे तो तैयार 1 इंच का हो जाएगा। दो बेल्ट निकालते हैं आगे पीछे के लिए। ऐसे ही ये फैब्रिक में जो लाइनिंग फैब्रिक है उसमें भी बेल्ट निकाल के लेते हैं। इस तरह से मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक का कटिंग करके लिया है। अभी ये जो बैक फ्रंट है एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ साइड जिप लगेगा। दोनों साइड हमारा 1-1 इंच मार्जिन है, तो ये मार्जिन छोड़ के पहले पिनअप करके ले लीजिए। और ये जो करना है साधारण 7-8 इंच तक कॉमन सिलाई करना है, यानी कि कमर से सीट लेंथ तक ये आपको कॉमन स्टिच करके लेना है, और उसके बाद मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक जो है उसका अलग अलग स्टिचिंग हो जाएगा। एक साइड पूरा यहाँ तक सिलना है और उसके बाद सिर्फ ये जो मेन फैब्रिक है वो सिलाई हो जाएगा। इस तरह, और फिर उसके बाद ये फैब्रिक सिलाई हो जाएगा। अभी ये दूसरी साइड का जो करना है, दूसरी साइड हमारा जिप आएगा, तो जिप के लिए ये जो दूसरी साइड है यहाँ हमें जिप लगाना है, छोटा वाला जिप लगाएंगे। तो साधारण आपका जिप लेंथ जो है वो आपकी चॉइस से 7 इंच या 8 इंच छोड़ना है, और उसके बाद समझो मैं यहाँ से अगर जिप लगा रही हूँ तो ये मार्किंग में करती हूँ, ये मार पॉइंट से मैं जिप लगा रही हूँ, उसके बाद मुझे ये जो है यहाँ से 2-3 इंच जो है वो कॉमन सिलाई करनी है।
इतनी ही कॉमन सिलाई हो जाएगी और इसके आगे जिप आएगी और उसके बाद हमें मेन फैब्रिक सिर्फ सिलना है ये जो है और उसके बाद इनर फैब्रिक सिलना है। तो मैं अभी आपको सिल के दिखाती हूँ। अभी मैं एक साइड का सिलाई करके ले रही हूँ। यहाँ हमें लॉक करना है, कॉमन जहां तक सिलाई आती है वहां लॉक करना जरूरी है। मैंने एक साइड का सिलाई किया है, यहाँ लॉक किया है। अभी जो मेन फैब्रिक है, सिर्फ मेन फैब्रिक, इसको पकड़ के हमें सिलना है नीचे तक। यहाँ सिलते वक्त आपका ये जो पॉइंट है, एंड पॉइंट, वहां आपकी सुई बराबर नीचे जानी चाहिए। इस तरह से सिलाई हो गई। अभी सिर्फ लाइनिंग फैब्रिक जो है वो सिलाई करनी है। अभी जिप जो साइड लगाएंगे वो साइड सिलाई करेंगे। यहाँ से यहाँ ये 2 इंच का सिलाई करके लेना है, 1.5-2 इंच आपकी मर्जी। पहले भी लॉक करना है और बाद में भी लॉक करना जरूरी है। ये यहाँ से यहाँ मैंने लॉक करके लिया है। ये जिप की साइड का मैं बोल रही हूँ। अभी ये जो है यहाँ जिप लगाने के लिए ये 2 पार्ट हम लोग सेपरेट करके लेंगे, दोनों पार्ट। तो यहाँ से मैं 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है तो 1 इंच का ये फोल्ड करके लेते हैं। इस तरह से दूसरा साइड भी फोल्ड करके लेते हैं। ये दोनों साइड मैंने एज फिनिशिंग करके लिया है, पिनअप करके लिया है। इसमें हम लोग जिप लगाएंगे। जिप का जो ये रनर है वो ऊपर की तरफ आएगा और ये जो स्टॉपर है वो नीचे आएगा। तो ये स्टॉपर थोड़ा नीचे जाना चाहिए, नहीं तो सुई के ऊपर नीचे आ जाएगा। सबसे पहले एक सिलाई है तो इस तरह से सिलाई देना है, एकदम खाचे में। ये मैंने एक साइड जिप लॉक करके लिया है। अभी ये दूसरी साइड है, ये ओवरलैप हो जाएगी, इतना ओवरलैप हो जाएगी ताकि ये जिप दिखेगी नहीं। ये लेवल है वो पहले यहाँ, ये लेवल वो साइड का और ये साइड का लेवल, दोनों लेवल सेम होना चाहिए। यहाँ हमारा जिप का एंड पॉइंट है तो वहां से मैं ओवरलैप करूंगी 1/2 इंच दूसरी साइड का जो जिप है वो। ये देखिए मैंने कच्चा करके लिया है। अभी यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से, जहाँ ये ओपन है वहां से ऐसे स्ट्रेट आना है और फिर 1/2 इंच के ऊपर यहाँ से बाहर जाना है। अभी जो पिनअप किया है वो निकाल के स्टिचिंग करती हूँ। ये हो गया हमारा जिप लगा के। अभी जो हमारे ये हमने कॉमन सिला था उसके बाद हमें
मेन फैब्रिक और ये जो इनर लाइनिंग है वो सिलना है, जैसे हमने पहली साइड से सिला था। ये इनर लाइनिंग भी अभी सिल के लेना है। ये जो बेल्ट हमने कटिंग किया था लाइनिंग का और मेन फैब्रिक का, ये मैंने अटैच करके लिया है दोनों को एक साइड। इधर भी मैंने पैक किया है ताकि हिले नहीं, और एक साइड मैंने 1/2 इंच का ये फोल्ड डाला है। अभी हम लोग इसमें कच्चा करके लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हम लोग बेल्ट रखने वाले, ये ऊपर बेल्ट करना है। तो अब सबसे पहले यहाँ मैंने फोल्ड डाला है, ये ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ मैं कच्चा करके ले रही हूँ। यहाँ मैंने कच्चा करके लिया है, अभी इसके ऊपर मशीन स्टिच डालेंगे। ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है, इसको पहले ऐसे करके यहाँ सिलाई डाल के ले लीजिए। ऐसे ही दूसरी साइड भी करके लेना है। अगर आपको ऊपर ऐसे बेल्ट करना है तो इस तरह से सिलाई करके यहाँ से नाड़ा आएगा। अगर आपको बेल्ट नहीं चाहिए, ऊपर इस तरह से चाहिए, ऊपर सब प्लेन चाहिए, तो आप इस तरह से ऐसे करके यहाँ हाथ सिलाई लगा सकते हो। ऐसे दो तरह से होता है। अभी हम लोग इसमें बेल्ट 1 इंच लेस किया है, तो हम लोग यहाँ से ऐसे ऊपर करेंगे ताकि यहाँ नाड़ा लग जाएगा। ये बेल्ट तैयार हो गया लगा के, इसमें हम लोग नाड़ा डालेंगे। अगर आपको टू टच आप कमर का माप लेते हो वेस्ट राउंड, तो आप यहाँ ऐसे हुक भी लगा सकते हो या बटन लगा सकते हो। हम लोग इसमें नाड़ा डाल रहे हैं। ये हमारा हो गया ऊपर का बेल्ट फिनिशिंग पार्ट। ये बॉटम है स्कर्ट का, यहाँ आप ऐसे डबल सिलाई भी दे सकते हो इस तरह से, या आप पीको कर सकते हो। और अंदर का जो पार्ट है इसमें भी आप पिको कर सकते हो या डबल सिलाई दे सकते हो। यहाँ आपको चाहिए तो लेस भी लगा सकते हो। ये स्कर्ट है लॉन्ग, इसके लिए हम लोग लेस नहीं लगा रहे, प्लेन रख रहे हैं। नीचे का डबल फोल्ड करके ये जो अम्ब्रेला घाघरा है वो तैयार कीजिए। ये हो गया अम्ब्रेला घाघरा तैयार। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।